और अब खबर भरतपुर से, जहां कुम्हेर में फायरिंग में युवक की मौत का मामला। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े, साथ ही दो परिजनों की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम कराने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। पुलिस ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। तो कुम्हेर में फायरिंग में युवक की मौत का मामला और मृतक के परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हुए हैं। खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां डीएसटी और नोखा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने अवैध हथियारों के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही दो पिस्टल और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर अब फलौदी से, जहां पर आऊ कस्बे के पास ओसियां सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, एक युवक घायल हुआ। मामले की सूचना पर भौजासर एसएचओ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर सदर बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस में पिछले तीन दिनों से सब पोस्ट मास्टर की आईडी नहीं चलने से डाक संबंधित कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते पोस्ट ऑफिस में आने वाले उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से चक्कर काट रहे उपभोक्ताओं ने भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा समय पर कार्य नहीं किए जाने से रोष जताया है। मेरे बच्चों के, मैंने सुकन्या के लिए अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो उसके कारण मैं तीन चार दिनों से आ रहा हूँ, और आ रहा हूँ तो मैं ये डायरी लेके आ रहा हूँ, पैसे भी लेके आ रहा हूँ, तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये आते हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, ये हमें सही से हमें सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन इनके इनका इंटरनेट, इनकी जो आईडी है वो चल ही नहीं रही है तीन चार दिनों से। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि जो भी इनके हेड हैं वो इस पर कार्रवाई करें, और इस पर इनको भी इससे सबसे ज़्यादा आने वाले। और अब श्रीगंगानगर के गदसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां गदसिंहपुर में लूट का प्रयास हुआ। नकाबपोश दो युवकों ने गन पॉइंट पर लूट का प्रयास किया। 14 साल के बच्चे ने लुटेरों का सामना किया। महिला से बैग और फोन लूटने का यहां प्रयास किया गया। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। मां की कनपट्टी पर पिस्तौल रखी देखी तो बेटे ने यहां हिम्मत जुटाई और बच्चे को लुटेरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मौके से फरार हो गए। गदसिंहपुर के वार्ड नंबर 2 की यह घटना है। उदयपुर से खबर, जहां जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल की अवैध बिल्डिंग को यूडीए ने सीज किया। उदयपुर ग्रामीण विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 72 घंटे में हॉस्पिटल सीज करने का आश्वासन दिया था। हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर जिला प्रशासन का विरोध कर रहे कर्मचारियों ने ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के खिलाफ जमकर यहाँ नारेबाजी भी की है। यूडीए ने अवैध बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की। हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर जिला प्रशासन का विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों ने ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के खिलाफ भी नारेबाजी की। भरतपुर रेंज के डीग जिले में देर रात्रि को पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गौ तस्करों की इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके से मृतक के साथी को गिरफ्तार किया और गौवंश से भरे पिकअप गाड़ी बरामद की। इस फायरिंग में युवक संदीप मारा गया। संदीप प्रजापत डीग के सोनगांव का रहने वाला था और वो टेम्पो चला रहा था, जबकि पकड़ा गया आरोपी नरेश जादौन भी सोनगांव का रहने वाला था। सूचना पर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, एसपी डीग राजेश मीणा कुम्हेर थाना पहुंचे। अर्ली मॉर्निंग की घटना है, जिसमें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गाय से भरी हुई गाड़ी जा रही है और पुलिस और कुछ लोग पीछा कर रहे थे, तो वो टेम्पो था, उसमें फिर जब आगे गए तो सामने वहाँ एक और पिकअप खड़ी थी, इसमें से फायर हुआ और वो टेम्पो चालक है जिसकी गाड़ी में भी गाय थी उसकी गोली लगी, और फिर वो जो पिकअप है आगे की तरफ भागी थी,
वहाँ नाकाबंदी थी, आगे जन्मथल में वहाँ भी पुलिस और बहुत लश्करों के बीच में फायरिंग हुई और फिर वो वापस मुड़ के दूसरे रास्ते से निकले, तो वो सभी जगह टीम और नाकाबंदी ये जारी है, आसपास के जिलों में भी कार्रवाई की। रात को इसकी गोली मारकर हत्या हो गई है, पूरा प्रजापति समाज में आक्रोश है और अपने न्याय के लिए थाने के सामने खड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम अभी होना है, हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और अपराधी को, हम चाहते हैं प्रशासन अपराधी को किसी भी। डीडवाना के लाडनू में 40 साल की विवाहिता की खेत के कुंड में वो गिर गई और आनन फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के खाजूवाला में ग्रामीणों ने किसान के साथ हुई लूट के आरोपी को पकड़ा है। आरोपी को पकड़ने के लिए कई किलोमीटर लोगों ने पीछा किया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस दौरान दो आरोपी मौके से फरार भी हो गए। टोंक के अलीगढ़ में अतिक्रमण कर करोड़ों की जमीन पर दुकानें बनाई गई, जिस पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। सुरक्षा और शांति व्यवस्थाओं के लिए पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। तो बड़ी अपडेट भी आपको दे दें, विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लंच ब्रेक के चलते। और फिलहाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कुछ धनराशि डाली है और 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 अगस्त के पहले पहले और फाइनेंस कमीशन के जो पैसा ग्राम पंचायतों को मिलता है उसको हम उनके खातों में डाल देंगे, ताकि ग्राम पंचायतों को परेशानी नहीं हो। कुछ पैसा बचेगा उसको 1-2-3 किस्तों में बहुत शीघ्र भुगतान करने वाले हैं। सर, एक मुद्दा है, ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ववर्ती सरकार ने नंदीशाला खोलने की घोषणा की थी, लेकिन वो खोल नहीं पाए थे। आज भी ये विधानसभा में रखा गया था, क्या ये खोले जाएंगे? कांग्रेस जो सरकार थी उससे कोई झूठा मंत्रिमंडल आज तक मैंने कभी नहीं देखा। कुछ भी बोलते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। नंदी गो माता से तो इतनी नाराजी है उनको कि कई बार तो तस्करों को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस खड़ी हो जाती थी। इसलिए गो माता के बारे में कांग्रेस कोई सकारात्मक सोचेगी ऐसी अपेक्षा रखना ही पाप है। और अब खबर धौलपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 11B पर अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि रहरई में बिजली कनेक्शन के लिए कंज्यूमर सरमथरा जीएसएस से ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 विद्युत पोल और वायर लेकर जा रहा था, लेकिन हाईवे पर समीप विद्युत पोल की लंबाई से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू नगर परिषद के द्वारा शहर में 1 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को लगातार पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त अनीता खीचड़ के नेतृत्व में प्रताप नगर स्कीम के पार्क एरिया में एक साथ परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 500 पौधे लगाए। आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि इस पार्क के एरिया में करीब 1500 पौधे लगाए जाएंगे। द्वारा आज पौधा रोपण अभियान के तहत सभी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा प्रताप नगरी स्कीम की जो पार्क की जमीन है उसके अंदर हमने पौधे लगाए गए हैं, उनके साथ साथ संभाल का जिम्मेदारी ली गई है। यहाँ 500 पौधे लगाए गए हैं और यहाँ अभी आज और 1500 पौधे लगाए जाने का टारगेट। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने आज एक फर्जी डीएसपी पकड़ा है। कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड के पास मुखबिर की सूचना पर एक बिना
नंबरी बाइक के साथ खड़े युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके बैग में डीएसपी की वर्दी थी। वर्दी और बाइक के बारे में युवक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसआई मुलायम सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल धर्मपाल को सूचना मिली थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंची, जहां एक युवक बाइक के साथ खड़ा था। बाइक बिना नंबरों की थी, जिसके पीछे पुलिस लिखा हुआ स्टिकर तथा आगे पुलिस का लोगो लगा हुआ था। युवक से बाइक के कागजात पूछे गए तो कागजात पेश नहीं कर पाया और तलाशी लेने पर वर्दी मिली। वर्दी के साथ नेम प्लेट में युवक का नाम लिखा था और इस मामले में पुलिस ने बाकरा निवासी निशांत को गिरफ्तार किया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। धनवंतरी हॉस्पिटल के पास पार्क है, वहाँ मोटरसाइकिल लिए बिना नंबर मोटरसाइकिल थी लिए खड़ा था। उसके बैग में एक वर्दी थी जिसमें स्टार लगे हुए थे। तो वहाँ धर्मपाल जी हेड कांस्टेबल मौके पे गए, उन्होंने वहाँ बैग को चेक किया तो वर्दी मिली। वर्दी के बारे में उनसे पूछा, आई कार्ड वगैरह पूछा, तो उस लड़के ने अपना नाम निशांत बताया। तो फिलहाल सीधा विधानसभा का रुख करेंगे, जहां बावनदास विधायक इंदिरा मीणा क्या कुछ कह रही है, फिलहाल आप सुनिए। मैंने इसमें ये लिखा कि बजरी माफिया और पुलिस की मिलीभगत से जो जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर, तो इसके अंदर आप सबको ये जानकारी देना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये फोटोग्राफ्स, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं सदन को भी, कि पुलिस वसूली करते हुए, और ऐसा भी प्रकरण आया जो बौली के अंदर शमशान भूमि है उसकी तक भी रजिस्ट्री करवा दी गई है, जो कि वहां के स्थानीय प्रधान हैं पंचायत समिति में, और चरागा भूमि पर भी उन प्रधान ने भी अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे लोग भी हैं जो या न्यायालय के अंदर भी है, वो पीपी है, और उस एक भाई उनका एडीएम है, एक भाई वहाँ शिक्षक है। ऐसे लोगों ने बेशकीमती जमीनें जो हैं, अपने कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेज, जनरल कॉलेज और हॉस्पिटल, तीनों एक ही लाइन में बने हुए हैं, उनके आगे जो जमीन है उन पर ऐसे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आज भी खबर छपी है, जो बजरी के अवैध खनन की वजह से जिस तरीके से 150 ट्रॉली पकड़ी और ये खबर छपी है पत्रिका के अंदर, जो खबर छपी है इसके अंदर स्पष्ट दिया गया है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी ये बता रहे हैं कि अफसरों की मिली भगत है। एसपी वहां की इस पूरे प्रकरण में शामिल है, और माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी मंत्री पद का इस्तीफा दिए उससे जस्ट दो दिन तीन दिन पहले इसी प्रकरण में बजरी के ट्रकों को किसी को बंद किया जा रहा था, किसी को जाने दिया जा रहा था, जो पैसे देके जाता था उसको जाने दिया जा रहा था, और बाकी को रोक रहे थे।